आर्य लेखक परिषद एवं डीएवी कॉलेज लखनऊ के तत्वावधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक प्रदेशों से आए हुए कवियों ने अपनी रचना पढ़ी तथा 30 वरिष्ठ कवियों को आर्यवर्त साहित्य साधना सम्मान देकर सम्मानित किया गया। लगभग 3 दर्जन कवियों, पत्रकारों, साहित्यकारों, समाज सेवियों को प्रज्ञा सम्मान देकर भी सम्मानित किया गया। डीएवी कॉलेज के शताब्दी वर्ष एवं महर्षि दयानंद जन्म द्विशताब्दी वर्ष पर चले 2 दिवसीय कार्यक्रम 7 सत्रों में सम्पन्न हुआ। प्रत्येक सत्र में अलग अलग विद्वान, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि संचालक, अति विशिष्ट वक्ता एवं विषय प्रवर्तक अखिलेश आयोदा प्रोफेसर सत्यकाम आर्य रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह, पूर्व उप निदेशक हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश रही, जिसमें अनंग पाल सिंह, अनंग की पुस्तकें वेदों की बात, अनंग दर्शन तथा दुर्गा प्रसाद वर्मा दुर्गेश की पुस्तक माटी का चूल्हा का विमोचन किया गया। विद्वानों द्वारा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसका राष्ट्रीय एकता में योगदान, वर्तमान स्थिति तथा इसकी उप भाषाओं के लेखन की दशा एवं दिशा, वैदिक संस्कारों की उपाध्येयता एवं प्रासंगिकता, हिंदी साहित्यों व पत्रकारों का समाज के प्रति दायित्व विषय पर लगभग 2 दर्जन विद्वानों ने गहन प्रकाश डाला, जिसे प्रमुख रूप से रूपचंद दीपक, वैदिक गवेषक एवं प्रभारी आर्य लेखक परिषद उत्तर प्रदेश तथा प्रोफेसर सत्यकाम आर्य, वैदिक विद्वान एवं विश्लेषक अरुण कुमार पासवान दिल्ली, डॉक्टर परमानंद तिवारी शहडोल, रविंद्र भूषण तमिलनाडु, वेद प्रकाश जी, संतोष वेदालकर, स्वामी वेदांता मृत सरस्वती, डॉक्टर संतलाल नंदलाल मणि त्रिपाठी, पीताम्बर गोरखपुर, श्रवण कुमार पांडे पथिक, अवध किशोर त्रिपाठी कानपुर, रामपाल त्रिपाठी चित्रकूट, डॉक्टर रमेश कटारिया पारस, डॉक्टर रामलाल त्रिवेदी प्राणेश चित्रकूट, देवी प्रसाद गुप्ता हमीरपुर आदि प्रमुख रहे। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता अरविंद श्रीवास्तव असीम दतिया मध्य प्रदेश तथा मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर से पधारी अनिला सिंह चाणक तथा विशिष्ट अतिथि किंकर पार सिंह ग्वालियर एवं विशिष्ट अतिथि मनमोहन तिवारी तथा संचालक डॉक्टर रसिक किशोर नीरज रहे। सम्मेलन में सभी कवियों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाएं प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं महर्षि दयानंद सार्वभौम बौद्धिक दर्शन पर आधारित रचनाएं, छंद, गीत, पुस्तक, कविता, गजल आदि प्रस्तुत कर कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। S7 की डेस्क रिपोर्ट।